नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपसे वादा है कि आपको हर विषय के बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे। और शुरू करने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो बात करते हैं, आज CDP के अंतर्गत हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसका टाइटल है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो चाहे प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो। मैं इनको दोनों को एक वीडियो में मिक्स नहीं करूँगा। पहले वीडियो में बनाऊँगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में, क्या है, क्या विशेषताएँ हैं और इससे पहले एजुकेशन कैसी होती थी, और दूसरे वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन अर्थात प्रगतिशील शिक्षा की, क्योंकि वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो अगर एक में इनको लेता मैं तो बहुत लंबा हो जाता, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो शुरू करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा की। देखिएगा, एक ज़माना था जब बालक जब स्कूल में पहुँचता था तो बालक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था। उस समय शिक्षा प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका था? शिक्षक का था। यानी कि शिक्षा जो थी शिक्षक केंद्रित थी और बालक को खाली स्लेट के समान समझा जाता कि बालक स्कूल में आया है तो इसे कोई जानकारी नहीं है, बालक के खाली स्लेट के समान है। और टीचर का काम था केवल और केवल बालक के मस्तिष्क में कुछ जानकारियों को भर देना, बस शिक्षा प्रक्रिया पूरी हो गई कि बालक आया, आपने उसे खाली स्लेट समझा, एक खाली बोतल समझा कि आपको उसे भरना है, अर्थात कुछ सूचनाएँ कुछ जानकारियाँ कुछ तथ्यों को आपके उसके दिमाग भरना है। और पूरी शिक्षा प्रक्रिया के दौरान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी थी? टीचर की थी। लेकिन समय बदला, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और बहुत सारे शिक्षाविद आए, तब उन्होंने इस बात पर डिस्कस किया कि शिक्षा प्रक्रिया किसके लिए है? बालक के लिए, कि बालक शिक्षा प्रक्रिया के लिए है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है बालक की शक्तियों का विकास करना या बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। तब धीरे धीरे ये धारणा बनी, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया में बालक पर फोकस किया जाए। बालक पर फोकस करने का अर्थ है कि बालक के बौद्धिक स्तर का पता लगाया जाए पहले, क्योंकि कक्षा कक्षा में सभी बालक मेंटली उनका लेवल एक ही नहीं हो सकता। दूसरी बात, उनकी रुचियाँ देखी जाएँ, किस बालक की क्या रुचि है। हो सकता है कि सब हर बालक की रुचि अलग होती है, आप जानते ही हैं। हो सकता है कोई बालक किसी एक क्षेत्र में अच्छा हो, दूसरा बालक किसी और दूसरे क्षेत्र में अच्छा हो। तीसरी बात, बालक किस परिवेश से आया है अर्थात बालक का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस सोसाइटी से आया है। इसके अलावा बालक की क्या आवश्यकताएँ हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को शुरू किया जाए तो बालक का सर्वांगीण विकास बेहतर तरीके से सुनिश्चित होगा। तो जब यह धारणा विकसित हुई, शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने इस पर जोर दिया, तो धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदल गया और शिक्षा शिक्षक केंद्र से कहाँ क्या हो गई, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई। तो आज वर्तमान में हम देखते हैं शिक्षा कैसी है बाल केंद्रित। तो आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, बालकों के मस्तिष्क में कुछ जानकारी भरना, बस। बालक क्लास में बैठा हुआ है, टीचर आए, उन्होंने अपना टॉपिक समझाया, बालकों से फीडबैक लिया, समझ में आ गया, ठीक है, बस बात खत्म। ये नहीं सोचा कि जो ज्ञान वो दे रहे हैं उसका बाहरी दुनिया में कोई मतलब है। अगर पहली चीज़ तो पढ़ाने से पहले टीचर ने ये नहीं सोचा कि बालक मेरी क्लास में अलग अलग लेवल के हैं, सबका IQ अलग है, सबकी रुचियाँ अलग हैं, सबके परिवेश अलग हैं, कि कोई बैकग्राउंड किसी का है मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई बहुत ऐसी फैमिली से है जहाँ संसाधन नहीं है, खाने पीने की दिक्कतें हैं, वहाँ बच्चा क्या पढ़ पाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान नहीं रखा, उन्होंने पढ़ाया और वो निकल लिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो पहले क्या था कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य केवल बालकों के मस्तिष्क में को जानकारी भरना था, बालक को खाली स्लेट माना जाता, ध्यान रखिएगा। वो ये मानते थे कि बालक एक खाली स्लेट है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिएगा, बालक का जब भी जन्म होता है तो वह आनुवंशिकता के माध्यम से अपने पूर्वजों के गुण लेके आता है, अर्थात बालक बहुत सारी चीज़ें जन्मजात सीखे हुए होता है, बहुत सी आदतें सीखे हुए होता है। तो बालक कभी भी खाली स्लेट नहीं हो सकता, ये गलत माना जाता था। इसके अलावा शिक्षक जो था वो क्या था, शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु था, कि पूरी एजुकेशन प्रोसेस का केंद्र बिंदु कौन था, टीचर था, कि सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड था। तो ये क्या था, पहले का स्वरूप था। लेकिन वर्तमान में शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, ठीक है ना। वर्तमान में शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। और वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को व्यावहारिक जीवन जीने योग्य बनाना, बालक को व्यावहारिक जीवन जीने योग्य बनाना। बालक को व्यावहारिक जीवन जीने योग्य बनाने से तात्पर्य है कि बालक शिक्षा प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस लायक हो जाए कि वह अपने समाज में रह सके। समाज में रह सके का मतलब है कि सामाजिक नियमों को जाने, उनको माने, अपनी आजीविका का
प्रयास करे, एक सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाए और इसके बाद वह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी अपने अंदर विकसित करें कि आपने समाज से बहुत कुछ सीखा, आप अपनी रोजी रोटी समाज से कमा रहे हैं, तो आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इस समय कोरोना चल रहा है, इस लॉकडाउन में सोनू सूद का आपने नाम सुना होगा, है ना, छेदी भैया शायद ये इनका नाम था, चुलबुल पांडे की मूवी कौन सी, दबंग। तो सोनू सूद ने देखो कितना बढ़िया काम किया है, उन्होंने 12,000 से ज़्यादा मजदूरों को अपने घर पहुंचाया है। ये क्या है, ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया कि मैंने समाज से ही लिया है, समाज ने मुझे इस लायक बनाया है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं जिस भी लायक हूँ उस लायक में कुछ ना कुछ समाज के लिए करूँ। तो यही क्या है कि शिक्षा बालक को व्यावहारिक जीवन जीने के योग्य बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक को व्यावहारिक जीवन जीने के योग्य बनाना, अर्थात वह समाज में रह सके, समाज के नियमों को जाने, उनको माने, सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाए और अपनी रोजी रोटी का एक सही तरीके से इंतजाम करे। ऐसा ना करे चोर डकैत बन जाए, चोरी कर ले रोजी रोटी के लिए, ऐसा ना करे, सही तरीके सामाजिक रूप से समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से अपनी रोजी रोटी कमाए। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है शिक्षा का क्या उद्देश्य है, तो इसमें एक ऑप्शन रहता है ये इन केन धन कमाना, मतलब कैसे भी धन कमाना ना, सही तरीके से धन कमाना। तो शिक्षा का उद्देश्य बालक को व्यावहारिक जीवन जीने के योग बनाना। कहीं कहीं एक आध दो एग्जाम्पल में व्यावहारिक जीवन को उत्पादक जीवन कह दिया गया है, ठीक है ना, उत्पादक जीवन का भी वही मतलब है कि शिक्षा प्रक्रिया से गुजरने के बाद बालक समाज का हिस्सा बने, समाज के नियमों को माने, सामाजिक जिम्मेदारियां निभाए और अपनी आजीविका के सही और उचित तरीके अपनाए, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, बालक को केंद्र में रख के, आजकल की शिक्षा जो बाल केंद्र देते हैं इसका मतलब क्या है कि बालक क्या है, केंद्र में है, उसके बौद्धिक स्तर, सबसे पहले बालक को पढ़ाने से पहले क्या जानना है कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है, यानी कि मेंटली वो किस लेवल का है ना, आई क्यू उसका कितना है, उसकी क्या रुचियाँ हैं, है ना। हर बच्चे का इंटरेस्ट फील्ड एक ही नहीं होता कि सब बच्चों को एक ही चीज़ें पसंद हो, किसी को गणित पसंद है, किसी को अंग्रेजी पसंद हो, किसी को चित्रकार बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो उनकी रुचियों को ध्यान में रखें, उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं, है ना, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से डेवलप होना चाहते हैं, के आधार पर शिक्षा, ठीक है ना। तो बाल केंद्र शिक्षा में क्या करना है कि बालक को केंद्र में रखा जाएगा, उसके बौद्धिक स्तर, रुचियों, आवश्यकताओं आदि को आधार बनाकर शिक्षा दी जाए। शिक्षक का प्रत्येक बालक के संपर्क में रहना बहुत आवश्यक है, बाल केंद्रित शिक्षा के दौरान शिक्षक का प्रत्येक बालक के टच में रहना बहुत आवश्यक है। कैसे कि टीचर जब भी पढ़ाए तो ऐसा न करे क्लास में एक समूह में पढ़ा के चला जाए, समूह में पढ़ाने के साथ साथ वो ये भी देखे कि किसी बालक को कोई समस्या है तो इंडिविजुअली उस बच्चे से मिले। आप जानते ही हैं जब एक टीचर के रूप में, आप में बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं अध्यापक होंगे, तो हम जब किसी क्लास में नए जाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर में बालक के बारे में समझ आ जाती है कि कौन सा बालक कैसा है। तो बहुत से बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत से बच्चे क्रिएटिव होते हैं, बहुत से बच्चे पिछड़े होते हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चे से भी आपसे अलग से बात करनी है कि भाई तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ स्पेशल प्रोग्राम है। क्रिएटिव बच्चे से भी आपको बात करनी है कि उसकी क्रिएटिविटी को आप कैसे भी करके प्रोत्साहन दें। पिछड़े बालक से भी आपको बात करनी है कि आपको कहाँ दिक्कत है, मैं हेल्प करूँगा। तो सामूहिक रूप में पढ़ाएं और व्यक्तिगत रूप में भी पढ़ाए, किस में, बाल केंद्र शिक्षा में ये सब होता है और करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रत्येक बालक के संपर्क में रहना चाहिए, बालक जिस स्तर का उस स्तर की उसको हेल्प पहुँचानी चाहिए। शिक्षक को केवल, शिक्षक जो पढ़ाने जा रहा है आज की डेट में बाल केंद्र शिक्षा के अंतर्गत, शिक्षक को केवल ऐसा नहीं है कि अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है या शिक्षण विधियों की नॉलेज है कि किस किस तरह से पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले उसे बालक का ज्ञान होना आवश्यक है, सबसे पहले बालक के बारे में। और बालक के बारे में जब वो जानेगा तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, और बाल मनोविज्ञान का जब ज्ञान आवश्यक होगा तो शिक्षा प्रक्रिया के थ्रू क्या करेगा, बालक का संपूर्ण विकास कर सकेगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षक को शिक्षण और क्या ज्ञान और शिक्षण पद्धति का ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन, जब वह बालक के व्यवहार का अध्ययन कर लेगा तब वो किसी भी बालक को अच्छे से पढ़ा पाएगा, शिक्षा प्रक्रिया अच्छे से चालू कर पाएगा और बच्चे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कर पाएगा। तो बालक को जानना आवश्यक है और बालक को जानने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो ज्ञान और शिक्षण पद्धति से पहले बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अब देखिएगा बाल केंद्र शिक्षा के बारे में कुछ बातें हमने यहाँ की है ना, कि बालक केंद्र में है, बालक को समझने के बाद ये एजुकेशन देनी है। अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता है बाल केंद्र शिक्षा की,
बालक को समझना, बालक को समझने का मतलब क्या है कि उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या मानसिक योग्यता है, उसकी क्या आवश्यकता, और बालक किस परिवेश से आया है। किस परिवेश से आया का मतलब है बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड। हो सकता है कि बहुत गरीब फैमिली से हो तो आपको उसे बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहना है, या हो सकता है क्रिएटिव हो तो आपको उसकी क्रिएटिविटी के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, या आप देखते हैं कि गांव में अगर आप एक टीचर हैं और किसी सरकारी स्कूल में, तो आप देखते हैं गांव के बच्चे वहां ज़्यादा आते हैं, और गांव के बच्चों के संग समस्या ये होती है कि घर जाने के बाद उन्हें चूँकि आर्थिक स्तर डाउन होता है तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, काम वाम में ज़्यादा लगे रहते हैं। तो आपको उन्हें इस प्रकार से पढ़ाना है कि उन पर घर पर ज़्यादा लोड न रहे, वो सारा काम अपने स्कूल में करके जाएं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा घर पे घिसने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि अगर आपने बहुत सारी चीज़ें घर के लिए दे दी हैं तो आप जानते हैं घर का परिवेश इस लायक है नहीं कि पढ़ नहीं पाएगा, तो आपको बालक के परिवेश का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना शिक्षण विधि कैसी हो, शिक्षण विधि कैसी हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से पढ़ाया जाए। ध्यान रखिएगा क्या पढ़ाना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ाना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ाना है। आपको पढ़ाने का सही तरीका आना चाहिए, बालक के अनुसार आप पढ़ाइए। बालक जिस प्रकार से पढ़ना चाहता है उसी शिक्षण विधि का चयन कीजिए। अगर आपने किसी ऐसी शिक्षण विधि का चयन कर लिया है जो बालक के अनुकूल नहीं है, तो आप चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान देंगे उसी किसी काम का नहीं है, ना वो उसे समझ पाएगा। तो बालक को पढ़ाने से पहले ये देखा जाए कि क्या पढ़ाना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे पढ़ाया जाए अर्थात सही शिक्षण विधि का चयन किया जाए। ध्यान रखिएगा करके सीखने पर बल दिया जाए। टीचर क्या करता है, मैं इसमें बाल गणेश शिक्षा में क्या करता है कि करके सीखने पर बल देता है। करके सीखने पर बल देने का मतलब है हस्तपरक गतिविधियों को बढ़ावा देना, हस्तपरक गतिविधियों को, यानी कि करके सीखने पर बल। कि अगर आप कोई काम कोई आपको सिखाया जा रहा है और आप उसे करके सीख रहे हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग इसे कहते हैं, और आपने कोई काम प्रैक्टिकली किया है तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। अगर मान लीजिए आप कोई काम करना चाहते हैं और किसी ने आपको केवल बता के गाइड किया कि ऐसे 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 कर लेना, तो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर उसने आपके सामने करके दिखाया और फिर आपसे करवाया तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो करके सीखने पे बल, अर्थात इसे कहते हैं हम हस्तपरक गतिविधि, ठीक है ना। और अगला काम क्या करना है बाल गृह शिक्षा में, विद्यालयी ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़े। जो उनकी बुक्स में है, जो स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, उनका कनेक्शन करें कि हम जो पढ़ रहे हैं इसका बाहर क्या उपयोग होगा। मान लीजिए अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स में मैं स्टार्टिंग बच्चों को जोड़ना घटाना सिखा रहा हूँ, तो मैं उनके बताऊँ डेली लाइफ के एग्जांपल कि आप मार्केट जाएंगे, आपके पास 50 का नोट होगा, आप कुछ सामान लेंगे तो उसमें आपको इतने देगा, तो घटाने का एग्जांपल दूंगा दैनिक लाइफ से। या आपके पास इतने पैसे थे, आपके अंकल आए उन्होंने आपको इतने पैसे और दिए, तो अब कितने पैसे आपके पास हो गए। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको उनकी बाहरी दुनिया से कनेक्ट करें, तो इसे कहते हैं विद्यालय ज्ञान को क्या दैनिक जीवन से जोड़ना। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से दोनों शिक्षण करना है, व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ाना है और सामूहिक रूप से ही पढ़ाना, जैसा कि मैंने बताया कि पूरी क्लास को एक साथ भी पढ़ाना है। और ये भी देखना है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चा प्रॉब्लम वाला बच्चा पिछड़ा भी हो सकता है, क्रिएटिव भी हो सकता है और प्रतिभाशाली भी हो सकता है। प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है उन्हें अलग ले जाए, अलग से उनसे बात करें और उनकी समस्या को पूछे, उनकी समस्या का समाधान करें। क्योंकि हो सकता है बच्चे ग्रुप में अपनी समस्या ना बताएं, इसलिए टीचर को बाल केंद्रित शिक्षा के दौरान क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप दोनों शिक्षण करना चाहिए। अगला है मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। मातृभाषा में ध्यान रखिएगा, आप गाँव में जाएंगे तो गाँव के बच्चे वही लैंग्वेज बोलते हैं गाँव वाली, तो आपने डांटे ना, आप डांटे ना, उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करें। आप ये ना समझें कि ये बैकवर्ड है, इनकी भाषा हम बोलेंगे तो हम भी बैकवर्ड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। भाषा, कोई भाषा किसी से श्रेष्ठ नहीं होती, सभी भाषाएं समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय भाषाएं भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी हम जो भाषाएं बोलते हैं, खड़ी बोली या इंग्लिश इत्यादि सब महत्वपूर्ण है। अब बालक को मातृभाषा में शिक्षण देंगे उससे फ़ायदा क्या होगा कि बालक को माहौल प्राकृतिक लगेगा, उसे लगेगा कि यार मैं तो घर में ही हूँ और मेरे आसपास के जैसे लोग बोलते हैं वैसे ये बोल रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा। अगर आपने उसके सामने खड़ी भाषा में बात की और वो बोलता है गांव की, मान लीजिए कि आप पूर्वांचल में कहीं लगे हुए हैं और वहाँ की बालक क्षेत्रीय भाषा बोल रहा है और आप उसके सामने अपनी खड़ी भाषा बोलेंगे, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा, डर जाएगा। आप उसकी मातृभाषा में बात करेंगे तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मातृभाषा में शिक्षण दें, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षण क्या करता है, बालक को प्राकृतिक रूप से सीखने में, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में हेल्प करता है और सीखना अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा शिक्षक की भूमिका क्या होगी बाल केंद्रित शिक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रेड से लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लें कि बाल केंद्रित शिक्षा में
शिक्षक की भूमिका केवल और केवल सुविधा प्रदाता की है, केवल और केवल काई की है, सुविधा प्रदाता के बालक के लिए सीखने लायक माहौल तैयार करके देगा शिक्षक। शिक्षक का कोई और रोल नहीं है, शिक्षक का काम है कि बालक को सीखने लायक माहौल तैयार करके दे, बालक अपने आप सीख लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है कि किसी बाल केंद्र शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है, तो भूमिका है सुविधा प्रदाता की, ठीक है ना। काय की है सुविधा प्रदाता, कहीं कहीं लिखा होता है सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता मतलब है चीज़ों को आसान बना दे, बच्चे अपने आप सीख लेंगे। तो टीचर इस लायक का सर्विस प्रोवाइडर ओनली, वो पढ़ाएगा वढ़ाएगा कुछ नहीं, वो सीखने लायक माहौल तैयार कर देगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिएगा तीसरी विशेषता है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम कैसा चुना जाए, बाल केंद्र शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा हो, बालक के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, बालक की रुचियों के अनुसार उसमें शिक्षण विधियों का उल्लेख हो, बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, जिस समाज जिस संस्कृति का बालक हिस्सा है उससे जुड़ी हुई चीज़ों से वहाँ सीखने को मिले, और बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल देने वाला हो। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के स्तर और उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है ना। प्रबंध व अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। देखिएगा अनुशासन जब भी शब्द आए और किसी क्वेश्चन में कड़ा अनुशासन आया तो सीधे क्रॉस कर देना, कड़ा अनुशासन की बात ही नहीं हो रही। हाँ, प्रबंध और अनुशासन की बात हो रही है कि जब भी बालक स्कूल में जाता है और स्कूल की सारी गतिविधियाँ जिसे हम पाठ्यचर्चा कहते हैं, सब गतिविधियाँ उसमें आ जाती हैं, चाहे वो क्लासरूम का टीचिंग हो या क्लास के बाहर बहुत सारी एक्टिविटी हो। तो ध्यान रखिएगा अनुशासन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनुशासन दबाव के रूप में नहीं होना चाहिए कि बालक को आप डरा के धमका के डांट के, अनुशासन के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, हम भारतीय सेना का एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम बहुत से महापुरुषों का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये सब लोग अनुशासित थे और अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाए। तो अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है बाल केंद्र शिक्षा में, लेकिन अनुशासन दबाव द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, बच्चे को प्रेरित करके, बच्चा अंदर से सेल्फ मोटिवेट हो कि हाँ मैं अनुशासन में रहूँगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। भारतीय सेना का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, इंडियन आर्मी का एग्जाम्पल आप दे दें तो आप समझ लीजिए कि हम जितने भी भारतीय हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्लड में भारतीय सेना के लिए सम्मान होता ही है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, भारतीय सेना के नाम पर सब एक हैं। तो भारतीय सेना के अनुशासन का एग्जाम्पल देंगे आप, तरह तरह की कहानियाँ सुनाएंगे उनको इस तरह की, तो आप देखेंगे कि बालक के अंदर अनुशासित होने का एक मोटिवेशन होगा तो वो अच्छे से अनुशासित हो जाएगा। तो अनुशासन कभी भी दबाव में नहीं करना है, कैसे करना है, प्रेरणा आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन व परीक्षण, अब आपने बालक को पढ़ा दिया अच्छे से, पहले बालक को समझा, समझने के बाद पहले बालक को समझा, फिर अच्छी शिक्षण विधियों का चुनाव किया कि बालक को किस प्रकार पढ़ाना है, फिर बालक के हिसाब से आपने पाठ्यक्रम का चुनाव किया, आपने बालक को अनुशासन में भी रखा और अनुशासन कैसा था, प्रेरणा आधारित। अब इतनी सब प्रक्रिया के बाद ये भी तो चेक करना है कि बालक सही दिशा में जा रहा है नहीं जा रहा। हो सकता है आप सब सही कर रहे हो और कई दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी कुछ करने के बाद भी बालक का रिजल्ट सही नहीं आता। तो अब किसी बालक का रिजल्ट सही नहीं आया तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक शिक्षा में अगर बालक फेल हुआ है तो एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है, ये और याद रखना, क्योंकि छोटा बालक है उसकी जिम्मेदारी पूरी आप पे है। बड़ी कक्षाओं में तो बच्चा समझदार है, खुद पढ़ेगा तो पास होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन छोटी कक्षाओं में तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। बालक अगर फेल हो गया तो कौन जिम्मेदार, हम जिम्मेदार, पूरी व्यवस्था जिम्मेदार। तो आता है प्रश्न कि बच्चा फेल है तो इसका मतलब क्या है कि पूरी व्यवस्था फेल है। तो मूल्यांकन व परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे पढ़ा रहे हैं, पहले बालक को समझा, उसकी रुचियों को, आदतों को, उसके मानसिक स्तर को समझा, किस परिवेश से आया है वो समझा, फिर उसके लिए हमने बहुत बढ़िया पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी रखी, क्लासरूम एक्टिविटी रखी, क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटी रखी। अब उसके बाद हमने क्या किया कि उसका पाठ्यक्रम सेट किया, उसके बाद प्रबंध व अनुशासन, उसको अनुशासित भी किया जिससे कि बेहतर तरीके से सीख सके। अब समय आया हम उसका परीक्षण करें, उसका मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक, कॉन्टिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, पढ़ेंगे चैप्टर 8 या 9 में आएगा ये सब। तो सतत मूल्यांकन कैसे होगा, कॉन्टिन्यूस एवोल्यूशन कैसे होगा, चैप्टर पढ़ा रहे हैं बीच में कुछ ना कुछ पूछ लिया, या कोई खेल सिखा रहे हैं बीच में पूछ लिया, जो हमने बताया वो रिकॉल कर लिया, या चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद टेस्ट ले लिया, या एक यूनिट खत्म हुआ उसके बाद टेस्ट ले लिया। उसके बाद आप जानते हैं त्रैमासिक, छमाही और साल वाले आपके एग्ज़ाम होती हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो एक निश्चित इंटरवल पर उसका एक ना कुछ टेस्ट लेते रहें, इसे कहते हैं सतत मूल्यांकन। और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है कि बालक का केवल किताबी ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना है आपको, कि केवल जो सब्जेक्ट पढ़ाए उसमें कैसा है, आपको ये भी देखना है कि बालक खेलों में कैसा है, बालक की सामाजिकता विकसित हो रही है नहीं हो रही है, कि क्लास में बच्चों से घुल मिल रहा है या नहीं, या बालक की भाषा सही है कि नहीं है, भाषा सही से सीख रहा नहीं सीख रहा है, अपने क्लास में लोगों से
बच्चा कैसे बात करता है, या बालक की संवेगों पर सही नियंत्रण है नहीं, कि बालक बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला तो नहीं हो गया, या बहुत ज़्यादा कूल तो नहीं हो गया, अपने आप में कोई भी कुछ कह जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये सब चेक करना है सतत और व्यापक मूल्यांकन में, कि बालक का लगातार मूल्यांकन करते रहना है एक निश्चित इंटरवल पर, और इसके बाद हमें यह भी देखना है कि बालक शैक्षिक क्षेत्रों में कैसा है और सहशैक्षिक क्षेत्रों में कैसा है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन परीक्षण बहुत ज़रूरी है, और जब मूल्यांकन परीक्षण करेंगे तो निश्चित सी बात है कुछ बच्चों की समस्याएं निकल के आएंगी। भाई सभी बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, कुछ बच्चों को मूल्यांकन के बाद समझ में आता है कि इस बच्चे को यहाँ दिक्कत है। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 40 या 45 बच्चे सही गए, एवरेज या उससे ऊपर गए, 4-5 बच्चे ऐसे थे जो डाउन आए, यानी कि थोड़े से वो असफल हुए, तो उनकी समस्याओं को जानें, उन समस्याओं का क्या करें निदान करें, और निदान करने के बाद अर्थात पता लगाएं, और उनकी समस्याओं के क्या करें हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएँ आपने देखी, कई विशेषता आपने देखी, 6 विशेषताएँ देखी, किस तरह से हमें पूरी तरह से पढ़ाना है बालक को। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षण को सिद्धांत और दे रखे हैं, कभी कभार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, हालांकि मैं समझता हूँ इतने से काफ़ी से आपकी चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन यहाँ समझिएगा कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं के अलावा बाल केंद्रित शिक्षण के क्या सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, चयन का सिद्धांत, काय का सिद्धांत। तो काय का चयन करेंगे हम, पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, सही है ना, पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, और पाठ्यक्रम के चयन के साथ साथ पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला। लचीला का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पाठ्यक्रम में कुछ चीज़ें आपने पहले से शामिल कर ली, आपने बच्चों को समझ लिया, बच्चों का मानसिक स्तर समझ लिया, आपने बच्चे किस परिवेश से आए ये समझ लिया, रुचियों को समझ लिया, बच्चे की आवश्यकताओं को समझ लिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, पाठ्यक्रम डिसाइड किया, तैयार किया। लेकिन फिर आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में कुछ पोर्शन ऐसा है कि आपने तो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप किया था, लेकिन जब आपने पढ़ाया तो प्रैक्टिकली कुछ पोर्शन ऐसा है जो बच्चों के काम का नहीं है, तो आप उसे चेंज कर दें, आप उसे कुछ चीज़ें कुछ और डाल दें, या हो सकता है कि एक दो चैप्टर बच्चे के स्तर से ज़्यादा ऊँचे स्तर के हो गए हों तो उन्हें चेंज कर लें। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला, है ना, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि आप उसमें कुछ चेंज भी करना चाहें बीच में तो कर सकें, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो यही पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला, बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुरूप होना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रतिभाशाली बालकों के मतलब का हो, पिछले बालकों के मतलब का ना हो, या केवल क्रिएटिव बालकों संबंधित चीज़ें ज़्यादा हो। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए हर प्रकार के बालक के लिए उसमें कुछ ना कुछ हो। प्रतिभाशाली ये ना कहे कि बहुत आसान है, पिछड़ा बालक ये ना कहे कि बहुत टफ है, क्रिएटिव वाला बालक ये ना कहे मेरे लिए नया कुछ करने को नहीं है। तो हर प्रकार के बालक अर्थात बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए, लचीला होना चाहिए, राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में आप जरूर ऐसी सामग्री ऐड करें जिससे बालक के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हो, बालक की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो, बालक को यह भी समझाए कि समाज में रहने के क्या नियम हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व तो क्या होता है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में ऐसा भी हो, कुछ एक्टिविटी ऐसी भी हो पुस्तकों के अलावा, कि सारी एक्टिविटी पुस्तकों में, उसके अलावा कुछ एक्टिविटी अलग से ऐसी हो जो उसे दैनिक जीवन से डायरेक्टली लिंकअप करें, तो ठीक है ना। तो चयन का सिद्धांत समझ में आ गया, रुचि का सिद्धांत, बालक की रुचि के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। मान लो इंटरवल हो गया है, इंटरवल के बाद बालक आए हैं और थके हुए हैं और नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप क्या करें, अंताक्षरी के माध्यम से सिखा लें, दो ग्रुप में बांट लें कि भाई ग्रुप ए एक राज्य की राजधानी का नाम बताएगा, दूसरा ग्रुप दूसरे राज्य की राजधानी का नाम बताएगा, या महापुरुषों की नाम के बारे में आप कर सकते हैं कि एक महापुरुष का नाम ये बताएंगे, उनके बारे में 4 लाइनें, दूसरा ग्रुप दूसरे महापुरुष के बारे में बताएगा, यानी कि ग्रुप में पढ़ा दें, अंतराक्षरी पढ़ा दें। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठे हैं तो आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, आपको लगता है बच्चे अगर थक गए हैं या बच्चे इस एक नॉर्मल लेक्चर के थ्रू नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप उन्हें किसी एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा दें, इसका मतलब है बालक को रुचि के अनुसार शिक्षण करा दें। थके हों तो सामूहिक क्रियाकलाप पर बल दें, अंताक्षरी करा दें, समूह चर्चा इत्यादि करा दें। लोकतांत्रिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा और यही सिद्धांत प्रगति शिक्षा की। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, है ना, क्या कहते हैं इसे, डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र, इसका मतलब है कि सभी लोग बराबर हैं, इसी तरह कक्षा में सब लोग बराबर हैं। तो सब लोग बराबर हैं तो अध्यापक की भूमिका है, चूंकि हम शिक्षण के सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो अध्यापक की भूमिका क्या है, कि कक्षा कक्ष में पढ़ाते समय किसी प्रकार का भेदभाव ना करें,
कोई बालक अगर प्रश्न करता है तो सभी बालक का प्रश्न का आंसर दे, ऐसा नहीं है कि किसी ने पूछा तो आंसर दे दिया, किसी और ने पूछा तो डांट दिया उसको। या आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप कुछ ही लोगों से पूछ रहे हैं जो प्रतिभाशाली हैं आपके नियर में, आप उनसे नहीं पूछ रहे, थोड़े से डाउन हैं। सभी से प्रश्न पूछें और सभी के प्रश्नों का आंसर दें, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक, लोकतंत्र का सिद्धांत या लोकतांत्रिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप किसी भी स्तर पर बच्चों के साथ भेदभाव ना करें। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, तो विकास के सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मुझे मैथ या इंग्लिश पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है, मैंने मैथ या टीचर का काम पढ़ाया और काम खत्म किया, वही सिलेबस पढ़ा काम खत्म किया, ऐसा नहीं करना है। बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का मतलब है कि बालक सब्जेक्ट्स में कैसा है ये तो सुनिश्चित करना है ही, इसके अलावा बालक की भाषा कैसी है, सामाजिकता विकसित हुई नहीं हुई, वह खेलों में कैसा है, उसका संवेगों पर नियंत्रण कैसा है, अर्थात बालक के विकास के सभी पक्षों पर क्या करना है, बराबर बल देना है। एक सिद्धांत और है यहाँ पे, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत का मतलब है कि आप उसे बीच बीच में महापुरुषों की जीवनियाँ, उनकी कहानियाँ इत्यादि सुनाएं, सुभाष बोस के बारे में सुनाएं, लाला लाजपत राय के बारे में सुनाएं, महात्मा गांधी के बारे में बताएं, ऐसे विवेकानंद के बारे में बताएं, ऐसे महापुरुषों की जीवनियां बताएं जिससे कि वो जीवन में क्या हों, प्रेरित हों। और ध्यान रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में एक भारतीय शिक्षाविद हुए जिनका नाम था गिजूभाई पटेल, एक भारतीय शिक्षाविद हुए जिनका नाम था गिजूभाई पटेल, गुजरात के थे, और देखिएगा ये ना हाईकोर्ट के लॉयर थे, और बाद में जब इनका बेटा हुआ तो इनके मन में ये आया कि मैं अपने बेटे को शिक्षा कैसे दूं, तब इन्होंने उसमें फोकस किया, पर एक वकील होते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। मूछों वाली अम्मा कह के शायद प्रसिद्ध थे वहाँ पे, क्योंकि बड़ी बड़ी इनकी मूछें थी, दुबले से थे, आप नेट पे इनका फोटो आपको मिल जाएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या नाम है उनका, गिजूभाई पटेल। तो आशा करता हूँ कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है समझ में आया होगा, क्या विशेषताएं हैं और शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं आपके सब समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा की, बात करेंगे। इस लेक्चर में करना उचित नहीं था क्योंकि चैप्टर फिर बहुत लंबा हो जाता। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो शेयर कर दें, और एग्ज़ाम से पहले आपके सभी अध्यायों के प्रश्न सीरीज में कराऊंगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो पूरे आप हथियारों से लैस होकर जाएं। थैंक यू।